गरीब माँ और पांच बेटियों पर बरसात का कहर। उस गरीब माँ का नाम जमुना है। जमुना की जिंदगी बहुत ही गरीबी से भरी हुई है। दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करके बदले में जो 100-200 रुपए मिलते उसे वह अपनी पांचों बेटियों का पेट पालती। सभी मजदूरों के बीच जमुना भी काम कर रही होती है। तभी शाम ढलते ही ठेकेदार कहता है, अरे चलो 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 जल्दी से सब लाइन में लग जाओ। ये ले छुट्टन, तेरी दिहाड़ी के 200 रुपए। और ये ले तू ललित, आज तू आधे दिन के बाद आया इसीलिए तेरे बनते हैं सिर्फ 100 रुपए। ये ले जमुना बहन, आज तुमने सबसे ज्यादा मेहनत की है इसलिए तुम्हारी दिहाड़ी 400 रुपए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। पैसे लेकर जमुना जल्दी जल्दी घर की तरफ जाते हुए कहती है, आज 200 रुपए ज्यादा मिले हैं, एक काम करती हूँ, अपनी बेटियों के लिए कुछ अच्छा खाना बना दूंगी। मगर मॉनसून का मौसम शुरू होने वाला है, मुझे बहुत ही सोच समझ कर हिसाब से पैसे खर्च करने होंगे। जमुना ये अच्छे से जानती है कि बारिश के मौसम में हर बार ठेके मजदूरी का काम ठप पड़ जाता है। अगर उसने पैसे जोड़ना शुरू नहीं किया तो बरसात के मौसम में उसकी पांचों बेटियां दाल रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगी। इसलिए वह बनिए की दुकान से थोड़े दाल चावल लेकर घर पहुंचती है, जहां उसकी चारों बेटियां पूजा, सपना, रेनू, आशा 6 महीने की मुनिया को चुप करा रही होती हैं। आशा दीदी देखो माँ आ गई। माँ तुम कहाँ रह गई थी, आज आने में इतनी देर क्यों लगा दी? पता है मुनिया कब से दूध के लिए रोए जा रही है। आशा बेटी ला दे, मुनिया को मुझे दे। ये लो माँ। अपनी गरीब माँ की गोद में आते ही नन्ही सी मुनिया चुप हो जाती है। जमुना जल्दी से उसे दूध पिलाने लगती है। तभी 5 साल की पूजा अपनी माँ को भूख भरी नजरों से देखते हुए कहती है, माँ बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाना बना दो। ठीक है मेरी प्यारी बिटिया, अपनी माँ को थोड़ी देर दे, मैं जल्दी से तुम सबके लिए दाल भात बना देती हूँ। दाल चावल का नाम सुनते ही 7 साल की सपना चिढ़कर कहती है, माँ तुम रोज रोज ये गरीबों वाला दाल चावल क्यों बनाती हो? देखो ना माँ, आज बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, हमारे लिए प्याज के पकौड़े डालकर कढ़ी चावल बना दो ना माँ। सपना को इस तरह से जिद करता देखकर आशा उसे समझाती है, सपना हम लोग गरीब हैं और माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो हमारे लिए कढ़ी चावल खिलाए। तुम्हें पता है हम पांचों बहनों का पेट भरने के लिए हमारी माँ भूखी प्यासी रहकर दिन भर कितनी मेहनत करती है, तब जाकर हमें ये दाल चावल मिलते हैं। आशा की समझदारी भरी बातें सुनकर रेनू, पूजा, सपना खुशी से दाल चावल खा लेती हैं। अगली सुबह जमुना काम पर जाने के लिए जैसे ही घर से निकलने वाली होती है तभी बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी शुरू होना था, अब मैं काम पर कैसे जाऊंगी? माँ थोड़ी देर इंतजार कर लो, जब बारिश रुक जाएगी तब चली जाना। रेणु की बात मानकर जमुना घर के दरवाजे पर खड़ी होकर बारिश बंद होने का इंतजार करने लगती है। मगर बारिश और भी जोरों से होने लगती है और पूरा दिन बीत जाता है। हे भगवान, एक सुबह से ये बारिश हो रही है और अब तो शाम भी ढल गई है, मगर ये बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। सारा दिन इंतजार के बाद जमुना खाना बनाकर अपनी बेटियों को खिला देती है और अब बरसात को देखकर बचाए हुए पैसे से अपनी बेटियों को खिलाने के लिए राशन पानी ले आती है। मगर बरसात होते 5 दिन हो जाते हैं जिसे घर का राशन और पैसा दोनों खत्म हो चुका था। क्या बनाऊं खाने में, जो राशन पानी था वो तो खत्म हो गया और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, अब मैं अपनी बेटियों को क्या खिलाऊंगी? ये बरसात का कहर हम गरीबों पर ही क्यों टूटता है? पैसों की तंगी और गरीब जिंदगी को सोचकर जमुना फूट फूट कर रोने लगती है। तभी बरसात के कारण घर की कच्ची छत भी अब जगह जगह से टपकने लगती है। माँ देखो, बरसात के कारण घर की छत भी टपकने लगी, अब हम कहाँ सोएंगे? जमुना जल्दी से उस जगह पर एक बर्तन लगा देती है, मगर बरसात के साथ तेज तूफान भी शुरू हो जाता है जिससे घर का आधा हिस्सा ढह जाता है। माँ बारिश के कारण हमारा घर भी टूट गया और खाना बनाने वाला चूल्हा भी टूट गया, अब क्या हम सभी बरसात में ही मर जाएंगे? पूजा के इस मासूम से सवाल पर उसकी गरीब माँ डबडबाई आँखों से उसे देख कर कहती है, नहीं मेरी बच्ची, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तो वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, मैं कुछ करती हूँ। जमुना अपनी पांचों बेटियों को लेकर घर के कोने में ले जाकर बैठ जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। मैं अपनी पांचों बेटियों को इस तरह से भूखी प्यासी नहीं देख सकती। आशा अपनी चारों बहनों का ख्याल रखना, मैं तुम सबके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। अपनी पांचों बेटियों की भूख मिटाने के लिए वो गरीब लाचार माँ भूखी प्यास भरी बरसात में भीगते ढिठुरते हुए कीचड़ और गंदगी में इधर से उधर भटकती है। तभी वहाँ कुछ दूर एक नदी पर आती है जहाँ बरसात के पानी से बहुत सारे साग उगे हुए होते हैं। इस वक्त मेरे पास कोई भी काम नहीं है, क्यों ना मैं बाजार में जाकर ये साग बेचूं? इस वक्त मुझे अपनी बच्चियों की भूख मिटाने, उन्हें बरसात के कहर से बचाने के लिए ये करना ही होगा। एक माँ की जगह इस दुनिया में कहाँ कोई ले पाता है।
अपनी बेटियों को बरसात के कहर से बचाने के लिए गरीब जमुना अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर गहरे पानी में उतरकर साग तोड़कर उन्हें बाजार में बेचने जाती है। साग ले लो, साग, ताजे हरे साग ले जाओ बाबूजी, 20 रुपए किलो, ताजे ताजे हरे हरे साग। कुछ देर में बाजार में आए ग्राहक गरीब जमुना से सारे साग खरीद कर बदले में उसे 50 रुपए देता है, जिसे जमुना अपनी बेटियों के लिए डबल रोटी खरीद कर घर आने लगती है। तभी जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और आंधी तूफान के कारण बिजली के पोल गिरने लगते हैं, पेड़ पौधे भी टूट कर गिरने लगते हैं और एक अनाउंसमेंट होती है। सुनिए सुनिए सुनिए, बारिश की रफ्तार बहुत ही तेजी से इधर गांव की तरफ बाढ़ बनकर आ रही है, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। मेरी बच्चियां, मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। जमुना आंखों में आंसू लिए घर जाने लगती है, मगर बरसात के बढ़ रहे पानी के कारण जमीन में गड़े कांच पत्थर उस गरीब माँ के पैरों को छलनी कर देते हैं। जमुना घर आती है जहाँ बारिश का पानी उसके टूटे हुए घर में तेजी से बढ़ रहा होता है और उसकी बेटियों का आधा शरीर बारिश के पानी में डूबा हुआ होता है। माँ, तुम कहाँ रह गई थी? अगर तुम कुछ देर के लिए और नहीं आती तो हम सभी इस बरसात में ही डूब जाते। आशा बेटी, मेरी बात ध्यान से सुन, तू अपनी बहन रेनू और सपना का हाथ पकड़ ले। पूजा बेटी, तू मेरी पीठ पर आ जा, हमारा ये घर किसी भी वक्त ढह जाएगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। पूजा अपनी माँ की पीठ पर आ जाती है और जमुना एक टोकरी में अपनी बिटिया मुनिया को रख लेती है और उसे ढक कर सर पर उठा लेती है और सभी एक कतार में बरसात के उस कहर में फूंक फूंक कर बाहर की ओर कदम बढ़ाते हैं। माँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, हम मर तो नहीं जाएंगे? नहीं रेनू, हमें डरना नहीं है बल्कि हिम्मत से काम लेना है। बरसात के उस कहर में कभी बिजली गड़गड़ाती तो कभी बड़े बड़े ओले बरसते हुए गरीब जमुना और उसकी बेटियों के शरीर पर गिर रहे थे और कई दिनों की भूखी प्यासी होने के कारण सपना को चक्कर आ जाता है और उसका हाथ आशा के हाथ से छूट जाता है और वो बहने लगती है। आह, माँ, मुझे बचाओ, बचाओ माँ। सपना, मेरी बच्ची। जमुना अपनी बेटी को बचाना चाहती थी मगर बरसात का कहर जाने सपना को अपने साथ कहाँ डुबो ले गई। बरसात का पानी अब जमुना की बेटियों की गर्दन तक आ पहुँचा। तभी सुरक्षा कर्मियों की नाव मदद के लिए वहाँ आ पहुँची और जमुना और उसके चारों बेटियों को बचाकर एक सुरक्षित स्थान पर लेकर आ गई, जहाँ उन सभी को खाने को दिया गया। मगर उस गरीब माँ की आंखें अभी भी सिर्फ सपना को खोज रही थी। तभी अचानक सर पर पट्टी बंधी हुई एक लड़की हाथों में डबल रोटी लिए उसके पास आती है, जो कोई और नहीं बल्कि सपना थी। माँ, सपना, मेरी बेटी, तू जिंदा है? मुझे तो लगा था कि इस बरसात के कहर में मैंने तुझे हमेशा के लिए खो दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तू ठीक है। ये कहकर जमुना सपना को गले से लगा लेती है और कई दिनों तक जमुना अपनी पांचों बेटियों के साथ वहीं रहती है। बरसात का कहर उस गरीब माँ और उसकी पांचों बेटियों से उसका घर बार सब छीन लेता है, मगर जमुना की आंखों में तसल्ली थी कि उसकी पांचों बेटियां उसकी आंखों के सामने थी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Alicia, happy birthday to you, happy birthday Alicia। सिर्फ फोन पर बोलने से काम नहीं चलेगा जनाब, आज शाम 7 बजे मैं रेडियंस रेस्टोरेंट टेबल नंबर 21 पर तुम्हारा वेट करूंगी। ये बोलकर अलीशा फोन रख देती है। आज शाम को मैं साहिल को अपने दिल की बात बता दूंगी कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। शाम को अलीशा रेडी होकर साहिल से मिलने आती है और अपने प्यार का इजहार करती है। साहिल, आज मेरा बर्थडे है, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूँ तो तुम मुझे दोगे? हाँ मांगो ना अलीशा, तुम्हें क्या चाहिए? साहिल, आई एम इन लव विद यू, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अलीशा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। इसके बाद साहिल अलीशा से शादी करके उसे अपने घर ले आता है, जहां अलीशा का मॉडर्न पहनावा देखकर पूरे मोहल्ले वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और कविता कहती है, साहिल, कौन है ये बेशरम लड़की? माँ, ये अलीशा है, मेरी पत्नी। मैं और अलीशा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली। क्या, तूने इस लड़की से लव मैरिज कर ली? ये लड़की तो एक नंबर की बेशरम लग रही है। अरे देखो तो कितने छोटे कपड़े पहने इसने। एक बार भी तूने अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा कि कल को तेरी बहन की शादी कैसे होगी? मम्मी जी, आई नो दैट कि आप सब मुझसे गुस्सा हैं, बट प्लीज गिव मी अ चांस ताकि मैं एक अच्छी बहू बन सकूं। ठीक है दिया, तुझे एक मौका, मगर तू अगले एक महीने में हम सबका दिल नहीं जीत पाई तो मेरे बेटे को छोड़कर चली जाएगी। अपनी सास की शर्त सुनकर अलीशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है मम्मी जी, मुझे मंजूर है,
अलीशा और साहिल के कमरे में जाते ही कोमल अपनी माँ कविता से कहती है, माँ अरे आपने इसे एक मौका दिया ही क्यों, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे घर में जमी रह जाए। तो चिंता मत कर कोमल, मैं अपनी इस मॉडर्न बहू पर इतने जुल्म करूंगी कि ये दो दिन भी इस घर में नहीं टिक पाएगी। इसको ये लव मैरिज इतनी भारी पड़ेगी कि इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगली सुबह कोमल अलीशा के कमरे में आकर कहती है, अरे ओ मेरी मॉडर्न भाभी, अगर नींद पूरी हो गई हो तो जल्दी से किचन में आ जाओ। ओके कोमल, बस 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। आपने मुझे कोमल कहा, मैं आपकी ननद हूँ, ननद जी कहो। जी ठीक है ननद जी। थोड़ी देर बाद अलीशा रेडी होकर किचन में आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। अरे बेशरम, ये क्या पहना है तूने? हमारे घर के छत से उड़ने वाली चिड़िया भी सर पर दुपट्टा लेकर उड़ती है और तूने ये पहना है? जा जाकर पहले साड़ी पहन कर आ। मगर मम्मी जी मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। हाँ हाँ साड़ी पहनना तो तुझे बिल्कुल भी नहीं आता, मगर मेरे बेटे के साथ इश्क लड़ा कर लव मैरिज करने के लिए तुझे सीखना नहीं पड़ा। अपनी सास की फटकार सुनकर बेचारी अलीशा कमरे में आकर साड़ी पहनकर किचन में आकर गर्मी में ढेर सारा खाना बनाती है। अरे ओ मेरी मॉडर्न बहू, आज की तारीख में चाय मिलेगी कि नहीं? डैडी जी ये लीजिए चाय। अलीशा के ससुर चाय पीते हैं तो गुस्से में कहते हैं, अरे ये कैसी फीकी चाय बनाई है, घर में चीनी खत्म हो गई है क्या? जी नहीं ससुर जी, घर में चीनी है मगर आपको शुगर है, इसीलिए चीनी आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं, इसलिए मैंने आपके लिए शुगर फ्री चाय बनाई है। अपने लिए अपनी मॉडर्न बहू के मन में बस फिक्र को देखकर अलीशा के ससुर को अच्छा लगता है और इसी तरह वक्त बीतता जाता है, मगर कोमल और कविता उसे बहुत परेशान करती हैं। अलीशा भाभी, अरे ओ अलीशा भाभी, अच्छा तो मैडम यहाँ बैठकर नेल पॉलिश लगा रही हैं। चलो जल्दी से उठो और चलकर मेरे और माँ के लिए पकौड़े बनाओ। ठीक है ननद जी मैं आती हूँ। ये बोलकर अलीशा किचन में आकर पकौड़े बनाने लगती है। अरे कहाँ मर गई मेरी मॉडर्न बहू, पकौड़े बनाने में इतना समय लगता है क्या? लाई मम्मी जी। अलीशा जल्दी से अपनी सास और ननद को पकौड़े बनाकर देती है। ऐसे ही अपने कमरे में वो जाने लगती है तभी कोमल कहती है, अरे ओ मैडम कमरे में कहाँ जा रही हो, मेरा बेडरूम बहुत गंदा हो रहा है, जाओ जाकर अच्छे से मेरे कमरे को ना साफ कर दो, और हाँ मेरे सारे कपड़े प्रेस करके उसे कबर्ड में लगा देना। जी ठीक है ननद जी। दिन भर की थकी अलीशा कमरे की सफाई करके कपड़े प्रेस करने लगती है तभी साहिल घर लौट आता है और कविता और कोमल उसके सामने झूठ मूठ के आंसू रोती हैं। क्या बात है कोमल, माँ की तबीयत ठीक नहीं है क्या? माँ तो कुछ देर पहले अच्छी खासी थी मगर इनके सर में थोड़ा सा दर्द था, मैंने भाभी को चाय बनाने को बोला तो उन्होंने मना कर दिया और अब तक खाना भी नहीं बनाया। अलीशा भाभी जैसी मॉडर्न लड़की से आपने लव मैरिज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है भैया। साहिल अपनी माँ और बहन की बातों में आ जाता और गुस्से में अलीशा को खरी खोटी सुनाता है। अलीशा तुम मेरी माँ और बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मगर साहिल मैंने किया क्या है? डोंट यू डेयर अलीशा, मुझे लगता था कि तुम मेरी जिंदगी के लिए और मेरी फैमिली के लिए सही फैसला हो, मगर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे तुम जैसी मॉडर्न लड़की से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। जाने दे बेटा तू क्यों मेरी वजह से अपना घर खराब कर रहा है। मम्मी जी बस कीजिए ये नाटक, साहिल तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। ये सुनकर साहिल अलीशा को एक थप्पड़ मार कर कहता है, मेरी माँ और मेरी बहन मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती, झूठी और मक्कार तुम हो। कविता और कोमल की डाली गई गलतफहमी के कारण साहिल और अलीशा के शादीशुदा रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अगले दिन कामिनी अपनी पार्टी में शर्मा जी के परिवार को बुलाती है जहाँ अलीशा को छोड़कर सभी जाते हैं। हाँ वाह कविता बहन तुम्हारा स्वागत है, कैसी हो तुम? पार्टी तो बहुत अच्छी है कामिनी बहन। अभी दोनों एक दूसरे से बातें ही कर रही होती है कि तभी कामिनी की बहू चारू वहाँ आकर चिल्लाते हुए कहती है, ओ गॉड मम्मी जी आप यहाँ बातों में लगी हुई हैं, काम चोरी करना तो कोई आपसे सीखे, चलिए चलकर मेरे फ्रेंड्स को ड्रिंक बनाकर दीजिए और वहाँ टेबल के पास कांच टूट गया उसे साफ कर दीजिए। ऐसा बोलकर चारू वहाँ से चली जाती है और कामिनी डबडबाई आंखों से कविता को देखने लगती है। अरे कामिनी तेरी बहू चारू तुझ पर ऐसे चिल्ला क्यों रही थी? तुझसे क्या छुपाना कविता, मेरी बहू की नजर में मैं एक नौकर से ज्यादा और कुछ भी नहीं हूँ, अपने ही घर में अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। तू खुशकिस्मत है कविता जो तेरे घर में अलीशा जैसी जिम्मेदार बहू है। ये सुनकर कविता और कोमल अपनी गलती पर पछतावा करने लगती हैं और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं, जिसके बाद वो साहिल को सारी सच्चाई बता देती है और सभी घर आते हैं। अलीशा मुझे माफ कर दो, इस घर में शादी करके मैं तुम्हें लाया था और मैं भी माँ और कोमल की बातों में आ गया और समझ नहीं पाया कि मेरी अलीशा मेरे परिवार के साथ कभी गलत कर ही नहीं सकती। बहू
हम दोनों माँ बेटी को भी माफ कर दे। मुझे लगता था कि लव मैरिज अपने आप में गलत है, मगर आज मुझे एहसास हो गया कि शादी चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, बहू बिल्कुल मेरी बहू अलीशा जैसी होनी चाहिए जो परिवार को साथ लेकर चले। आज से हम सभी को हमारी मॉडर्न बहू मंजूर है। ये सुनकर अलीशा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, मैं जानती थी मम्मी जी एक ना एक दिन मेरे ससुराल वाले मुझे जरूर स्वीकार कर लेंगे, आज मैं बहुत खुश हूँ। और इस तरह आखिरकार मॉडर्न अलीशा अपने प्यार भरे स्वभाव से अपने ससुराल वालों के दिल में जगह बना लेती है और उनका दिल जीत लेती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।